हेलो एवरीवन, किमे हो सारे? आई होप तुसी सारे जाने वधिया होवोंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू आर न्यू हेयर तो पहला जाकर मेरे चैनल नू सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर करना ना भुल्यो। तो आई नो मेरा फेस बहुत मतलब मॉर्निंग फेस लग रहा है, तो हूँ बच चुकी है 11:30। तो मैंने लगी सी भुख, आप सारा झाड़ू पोचा सब कम करके हो गए हैं वेले, तो हूँ आप बनावे चावल। सो मैं ये मैं कुछ व्लॉग नहीं बना रही, तो हूँ मैं बना लगी सी राइस। तो मैं क्या मैं थोड़ा अपने राइस रेसिपी शेयर करता जो कि मैं बहुत ही पसंद आ। तो अज आप बनावे मटर वाले चावल। तो हूँ मैं लगी हाँ कट 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 प्याज कट कर। देखो तुसी अज मैं चावल किदा के बना, मतलब वो तो मैं ही दसूँगी तुम्हें मैं किदा के बनाए आ। सो ये कटा आप, बट लिटरली मैं ये कट्टना नहीं आता, बट मैं ये कि मेरा व्लॉग वधिया बन चुका, सो इस करके मैं ये कट्टूंगी। अच्छा ट्राई करती हाँ। एक तो हमेशा ये लाइट पुठी साइड तो ही आती है, हम बंदे ने बनाना ब्लॉग तो लाइट अंदर आती है, की करे इंसान की करे, कितने जाके डुब मरे कितने। सो मैं जोमैटो तो कुछ समान मंगवाया सी, वो आ गया। तो आप मैं सच थानू दस रही सी कि आप लेने तीन प्याज, ठीक है। मैं दो प्याज मतलब थोड़े व्डे ले आ, एक छोटा जहा लिया आ। तो मैं बनाऊंगी एक कौली चावल बासमती, तो क्योंकि मैं ही खाने होंगे ज़्यादातर। सो मेरा दो टाइम निकल जाते इन्ने चावल ना, बट अगर हाँ तुम ज़्यादा खाने फिर तुम ज़्यादा पा सकते हो। अच्छा मैं रेसिपी वूमेन बनी हुई हाँ। तो आप तीन प्याज लेने हैं, ओके। तो आप होर की करना मटर, सब तो पहला कि अजक मटर उदा वधिया नहीं आते हैं जिमें आने चाहिए, लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे मटर। इस करके आप करना वा, आप जो तड़का कटना है चावल लिए, सो तुसी पहला मटर जिन्हें भी पाने उन्होंने पानी च बॉयल करने रख देना, बिकॉज जो आप उन्होंने पहले ही उबाल लें फिर वह कच्चे नहीं रेंदे है। सो थोड़ा जहा नमक भी पाना है। तो हूँ मैं कटा मटर, ये मटर कट के रखिया लिफाफे, तो ज़्यादा मटर भी कट के ना रखिया करो। तो हूँ आप उबालना आ मटर, हूँ आप मटर उबालने रखा पा के आप ले लिया वा ए जिन्हें भी मटर पाने वो तुम पा लो। मैं वैसे किनू मटर बहुत पसंद है जरूर दस्यो, क्योंकि मैनू तो मटर बहुत पसंद, मैं तो कच्चे भी खा जानी हाँ, जो मिठे मिठे होंगे ना बड़े ही स्वाद आते हैं। उबलने क्योंकि जिदा कि मैं थोड़ा दसिया कि मटर अगर आप पहला उबाल लेंगे तो इट्स गुड फॉर मटर, ओके। तो हूँ आप कटने प्याज, आलू मैं पाने नहीं है बिकॉज आलू नाल ना वह चावल जोड़े होंगे वह बहुत इदा हो जाते जुड़े जुड़े। तो पहला आप करना है, पहला आप कटना है प्याज एंड टमाटर। टमाटर आपा एक वड्डा टमाटर कट लेना हाँ, पहला आप प्याजा छिल के टमाटर एंड प्याज धोने दैन आप कटते हैं, ओके। तो मैं यार वो वीडियो भी बनानी अज प्यार छड़ी ना स्टैंड गोरिए, मतलब तड़के वाली लाइन तेरे लिए लगाऊ जट तड़के। तो आप जो फ्लिपकार्ट तो समान मंगाया से आ गया, बहुत वधिया चीज़ है सीरीयसली यार, कि आप घर बैठे समान मंगा सकते, बस डिलीवरी चार्जेस देने पैंदे होर तो कुछ नहीं। बाकी इतों सिर्फ जड़े पैक्ड होंगे चीज़ा वही मंगाया करो, सब्जी सुब्जी वो चलो जो तुम एमरजेंसी है बहुत ज़्यादा तुम जा नहीं सकते, तुहाडे घर कोई लियाण वाला नहीं है दैन तुम मंगवा सकते, बट ना मंगवाए क्योंकि मैं यही नहीं कहती कि मेरे नाल कदे भी बैड एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ का, मैं तो जिनी बार भी मंगाए काफ़ी वधिया आए, बट स्टिल क्योंकि अगर आप देख के लियाइए वो अलग चीज़ होंगी है। सो चलो हूँ मैं वीडियो बना लवा एंड नाउ वी आर कटिंग प्याज, मतलब कटिंग नहीं मैं वीडियो बनानी सी थोड़ी जी बना के, मैं चलो तुम व्लॉग च भी दिखा दिए कि हम कैसे प्याज छीलते हैं। अज तो आप फुल फुल भोरनी हाँ व्लॉग दे विच, क्योंकि ऑब्वियसली हूँ मैं क्या ही बोला तुम दसो, क्या बोले हम क्या बोले आप। Okay.
ਤੇ ਅਬ ਹਮ ਕਾਟ ਰਹੇ ਹੈ ਪਿਆਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵਲੌਗ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੋ ਤੇ ਪਿਆਜ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ मेरा तो बुरा हाल हो रहा है यार ये प्याज किसी काम के नहीं है इंसान को जीने तक नहीं देते ये प्याज ते मैं लाऊंगा देसी के एक तड़का तड़का वैसे साढ़े इधर लाइक जिवें होंगे ना पिंडाली वाइट फुल ठेठ बोलते होंगे सो उदा उधर बोलते तड़का तड़का लाना आप तड़का ओके बट इधर आके जिवें हुण मैनूं इधर ढाई तीन साल हो गए ना तो मैनूं मेरे स्लैंग दे विच बहुत चेंजेस आए लाइक शिट एक मिनट मैं सो ये चीज आ गई दैट देखो मैं रो रहा हां शिट बहुत कोड़े सी प्याज सो अभी हम सॉरी गाइस सो अभी हम काटेंगे संतरा कहने सो अभी हम काटेंगे टमाटर अपन टमाटर नु काट लेना वा इदा ओके ते हमारा तड़का सो साडा तड़का हो गया रेडी ते इधर अपने जेडे हैगे आ की कहंदे हुंदे इन्हां नु मटर मटर उबल रहे आ ते हुण आपा कर लिए अपना जिहड़ा की कहंदे हुंदे आ उहनू अपना कुकर कुकर यार मैं नवा लैके आना बहुत तुहानू पता ही किन्ना पुराना कुकर आ मेरे डैडी लैके आए सी बाहरों इस करके फिर आपा हले तक यूज कर रहे हैं इहनू बट साडे कुकर की हालत बहुत माड़ी आ सो डोंट जज ओके सो ये आ साडा पुश्तैनी कुकर जो कि मेरे डैडी जी लेके आए थे एक तो ना कंपनी वाले इन्ना दिमाग खाते है ना भांडा यूज कर एक बार पहला पानी ना जरूर तो चल लो हल्दी आपा पानी नहीं एंड आपा पानी लाल मिर्च काली मिर्च एंड थोड़ा जा जीरा बिकॉज आई लव जीरा जीरा नहीं मतलब जीरे का टेस्ट बढ़िया होता जीरा हूँ आप चलावे अपनी चिमनी जो कि बहुत ही आवाज करती है हम मैं समझ नहीं लग रही मैं चलानी चाहिए है कि नहीं बिकॉज इन्हें बहुत ज़्यादा आवाज करनी है तो फिर थोड़ा ब्लॉग च आवाज नहीं सुननी एंड भी बासमती राइस आप सफाई भी करनी है नाल दी नाल क्योंकि फिर मम्मी तो डांट बहुत पैंदी होंगी है ना हूँ आप एक कोली चावल की सॉरी एक कटोरी चावल की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू ये तो नुकी में काटते हैं अपन तो चावलों के विच पानी पा के उन्हें इदा इदा करना वा तो उस तो बाद अगर तो ताडे कोल चावल धोने लई कोई इदा दा भांडा है जिहदे विच चावल मुड़ के ना निकलन बट पानी निकल जाए वो वरत लो बट मेरे कोल आ छाननी है दुध वाली सो इनू मैं पहला तो थोड़ा जहा पानी इदा कढूंगी बिकॉज जोड़ा भी ये थोड़ा जहा डस्ट होंगी या कुछ होंगे वह निकल जाता उपरों पानी पाना है तो हम इन चंकी तरह वॉश करके इदा इन उपर रख के इदा कर दे फिर तो चावल भी नहीं गिरन गए तो पानी भी निकल जाएगा नाइस आइडिया ना
गड़वी दे विच आपां पावांगे पानी, ये वाला नहीं फिल्टर वाला, वो तो बस मैंने आदत है कि सारे भांडे धोने होंगे पहला बर्तन को। अपने मटर हुण गए आ रिज, गरम गरम लग गया। ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ बना लगा तो मेरे हाथ पैर कुछ सड़न ना, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਗੈਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਟਰ ਆ ਇਹ ਕੱਢਣੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਵਲੌਗ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਾ ਲਈ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੜਕਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਲੀਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਕੇ ਸ਼ਿਟ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕਰ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੜਕਾ ਤੜਕਾ ਓਕੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਵਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਆ ਆਈ ਡੋਨਟ ਲਾਈਕ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ बहुत ज्यादा गर्म हो गया है अपन थोड़ा जी धीमी आंच पर करेंगे ओके तो आप दो चमचे पा रहे हैं घ्यो दे मतलब जेड़ा जमया हो दो चमचे नहीं तो बाकी तो तुम थोड़ा ज्यादा पाना पैना सो हम आप लगावे तड़का तड़का ओ सॉरी सब तो पहले आप पाना वा जीरा लिटल बिट जहा ओके थोड़ा जहा जीरा और मैं इन्ना नहीं पता लाइक टेबल स्पून या कुछ है ना समथिंग वो नहीं मैंने पता तो हम आप चला चाहिए मैं लगता तो तुम आवाज़ थोड़ी घट आऊगी बट सुन लो ओके हम आप लावे तड़का थोड़ी जी काली मिर्च पानी है तुम ज्यादा नहीं पानी ठीक है तो थोड़ी जी ही लाल मिर्च पानी मतलब जोड़ा स्पून होगा ना जिम्मे आ स्पून आदा तुम सिर्फ मोहरे लाइक थोड़ा जहा बिल्कुल थोड़ा जहा पाना है ताकि ज्यादा मिर्च ना हो गए इन चीज जो कि है नमक ये नमक आप मम्मी तो कन्फर्मेशन लैनी तो बनती है बिकॉज जे लून ज्यादा पै गया तो किसी काम की नहीं चीज वाह 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 अपनी सीटी बजन लगी है मतलब अपनी नहीं कुकर की सीटी बजन लगी है तो आप दो सीटियां बजा के जो थर्ड वाली बजन लगेगी सीटी उदो बंद कर देना जो समान जितों लिया उत्थे वापस रख दिए
टू मच काम कर दे आप ओ सीटी आ गई हूँ आप कर दीजिए बंद कर दी ओके ते हुन आपां इनू खोलदे आ इहदी हवा निकलदे थोड़ी जी पहला फिर उस तो बाद आपां इनू खोलदे आ ते फिर मैं तुहानू दिखानी है नज़ारा जो मैं बनाया उहदा ते जो हुण आपां टीवी ते कुछ देख लईए मैनू लगा शायद फिर सीटी वजन लग गई शुक्र आ तां किसे होर दी वजदी पई आ इत्थे रखना पैणा मैनू व्लॉग लई हुण क्योंकि मैं रिंग लाइट तां अंदर रख्या आ नाइस चावल बट मैनू लगता घेर थोड़ा ज़्यादा पै गया सी बट ओके यार घंट प्लेट स्टील प्लेट दही भी पाना हले आप कॉली दही तो बिना मटर वाले चावल पूरे ही नहीं है लैके जाने बाकी बाद में सही एंड मैं तुहानू जिद्दां दस्सिया सीगा कि मैं मैगी मसाला जरूर खानी हुंदी आ नाल सो आपां एक मैगी मसाला लैके जावांगे बिकॉज ये बहुत यम्मी लगता है तो हुण मैं मम्मी नूं कहूंगी कि मैनूं प्लीज मिठी लस्सी बना दो बिकॉज अज मेरा बहुत दिल कर रहा पीण दा तो मम्मी मम्मी मैनू मिठी लस्सी बना दूंगे मैं खाने लगा सी चौल मम्मी नूं पता भी नहीं सी मैं ब्लॉग बना रही तो चलो हुण मैं खा लवां तो तुहानूं फिर मिलदी क्योंकि मैनूं भुख बहुत ज़्यादा लगी हुई है तो इस तो बाद आपां स्वीट कॉर्नस भी बनाने बट थोड़ा टाइम रुक के बट थोड़े लई तां इकट्ठा ही है चलो